गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का गोरख धंधा करने वालों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी, कोई भी माफिया मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट को मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही पकड़ा है। जेल में बंद उस अपराधी को मध्य प्रदेश की पुलिस मांग कर यहां लाएगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और इसमें किसी भी माफिया को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। मिश्रा ने कहा, जब जब देश में आपदा और संकट की घड़ी आई है, संघ और उसके सभी प्रकल्प जनता के बीच जनता के साथ खड़े हुए हैं। कोरोना के इस संकट काल में सेवा भारती ने रिकॉर्ड कोविड केयर सेंटर पूरे देश में बनाए हैं। तुलसीदास ने रामायण में एक चौपाई कही है कि साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सब की जानी। उनके राज में माफिया फला फूला होगा, ये शिवराज सिंह की सरकार है। कोई भी कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, हम नहीं बख्शते किसी को। इस रैकेट को भी हमारी पुलिस नहीं पकड़ा है, ये हमारे राज्य में संचालित नहीं हो रहा है, इसका उत्पादन कहीं और था। और हम आज आपको बता रहे हैं कि वो गुजरात में जहां इसका उत्पादन था, वो जेल में है व्यक्ति, और उसको हम जेल से भी मांग करेंगे और मध्य प्रदेश लाएंगे, मध्य प्रदेश की जेल में उसको रखेंगे और इसकी तह तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। नरपिशाच हैं ये लोग, तो लोगों की जिंदगी के साथ इनने जो खेल बरपाया, ये बख्शने के काबिल नहीं है, इन पर कोई दया या रहम की आवश्यकता नहीं। मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस सिर्फ टीवी और ट्विटर तक ही सीमित रह गई है। विगत दिनों में हुए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भी बताते हैं कि जनता ने भी उन्हें इसी लायक समझा है। और अकेला फाउंडेशन मत को पूरे परिवार की कोई भूमिका नहीं है ट्वीट करने से ज्यादा। उन्होंने एक अच्छा नियम बना लिया है, टीवी और ट्विटर पर वो राजनीति कर रहे हैं और इसलिए वोटर ने भी सोच लिया है कि इनको यहीं तक रखें। और पिछले 5 राज्यों के चुनाव में इस बात का परिणाम भी आया कि वो वहीं तक रह गए हैं। कर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर चिंता बताई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।